आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस Bm-800 कंडेंसर माइक कॉम्बो सेट की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया था। सबसे पहले आता है हमारा माइक सस्पेंशन आर्म, जो कि स्टैंड की तरह काम आता है। फिर है पॉप फिल्टर, जिससे पुप करके आवाज़ सही हो जाती है। फिर लास्ट में हमारा कंडेंसर माइक पूरा जो डब्बा है वो आया। उसके बाद है हमारी मेल टू मेल XLR केबल। अच्छा, अगर आप नए उस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर आखिरी है हमारा फैंटम पावर। पता नहीं इसके और हर चीज़ उल्टी खुल रही है। माय गॉड, मेरे को लगा मैंने वो पूरा बॉक्स भी उल्टा ही खोला था। जब सारे कंटेंट खुल गए हैं तो आप इसको फाइनल खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खोला हमारा कंडेंसर माइक, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको भी उल्टा ही खोला। एनीवे, तो इसकी पैकेजिंग तो सही है, बट अभी टेस्ट वेस्ट नहीं करा मैंने, बस खोल के दिखा रहा हूँ जैसा है, क्या क्या मिलेगा इसमें। यह है XLR 2 ऑक्स केबल, जो डायरेक्ट फ़ोन में लग जाती है। यह हमारा विंडस्क्रीन, जो माइक के ऊपर लगेगी। अच्छा, डायरेक्ट फ़ोन में यूज़ करना है तो ये चीज़ काम आती है, मैं उसका नाम याद नहीं रहा, बट काफ़ी मतलब काफ़ी यूज़ कर। ये हमारा शॉक माउंट, इसके अंदर माइक लगेगा और फिर सस्पेंशन आर्म में घुसेगा। फाइनली माइक, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, देखने में भी अच्छा है, बट लोकल माल है तो देखते कैसा होगा। फिर अगला हम खोल रहे हैं हमारा पॉप फिल्टर। एक सेकेंड, ये फाइनल वो मुझसे थोड़ा समझ रहा था तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। मन मन मा, और ये भी उल्टा खुला। एनीवे, तो पॉप फिल्टर कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल हमारा। इसके बाद आखिरी चीज़, आखिरी दुनिया मतलब इसके बारे में, हम खोल रहे हैं अभी फैंटम पावर 48 वाट। इसका कुछ ऐसे स्टार्टिंग में तो काम नहीं है, बट इससे माइक में पूरी पावर सप्लाई जाती है तो माइक ढंग से काम करता है, ढंग से मतलब एज इन अपनी फुल कैपेबिलिटी पर। सबसे पहले इसमें अडाप्टर मिलेगा और हमारा फैंटम पावर सप्लाई, ये काला सा डब्बा। हाँ हाँ, यही। अब पता नहीं इसमें थोड़ी हिल के थोड़ी आवाज़ आ रही थी, देखते हैं अब कैसा है ये भी। फिर हमारी आखिरी चीज़ जो है हमारा माइक का सस्पेंशन, जो कि स्टैंड ब्रांड है। इसकी पैकिंग तो वैसे बेकार से थी, मतलब मेरे ख्याल से पहले से खुला हुआ था, मैंने ऊपर से ऐसे डाल दिया, बट अंदर का सामान नहीं लगता। तो जो भी है, इसके बाद ये सब मिला। तो यहाँ सब हमारा खुल जाए काम तो हो गया। अब मैं इसको पूरा एक बार सेट करके भी दिखा दूँगा कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको सेट कर दिया है विदाउट फैंटम पावर, क्योंकि मेरे को बस अभी दिखाना था, मैं यूज़ नहीं कर रहा इसको। और जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे फ़ोन के रिकॉर्डर से ही हो रही है, क्योंकि जैसे हर चीज़ उल्टी चल रही थी तो हमारा माइक भी नहीं चला, पता नहीं क्या था, और ये इन्होंने दूसरे स्टैंड का हेड दे दिया। तो फाइनल चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो पूरा सेट मत लेना, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग दिन ऑर्डर करना जो भी, ताकि कुछ बाद में दिक्कत ना हो। थैंक यू।